एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 9th. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय. फर्स्ट पार्ट इसका है x प्लस 1. स्टूडेंट्स इसमें करना क्या है, डिवाइड करना है. और इस डिवीजन के दो मेथड है. देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. मेन फोकस आपका यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट करना. तो आप रिमाइंडर दो तरीकों से निकाल सकते हैं. नंबर वन, आप इसको x प्लस वन को एज अ डिवाइजर इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. एंड सेकंड, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ सेकंड मेथड क्या है इसका, रिमाइंडर थ्योरम. तो फर्स्ट मेथड से सबसे पहले कर लेते हैं इसको डिवाइड. ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म है और यहां पे है x. तो आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन x. इस फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है. तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. माइनस करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, 2x स्क्वायर आ गया. और जितना भी इधर पे टर्म है वो सब हम नोट कर लेते हैं. ठीक है, ये सब हमने नोट कर लिया. नेक्स्ट स्टेप इज 2x स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म. 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x की एक पावर से x स्क्वायर की वन पावर कैंसिल हो जाएगी तो 2x. ठीक है, 2x मिलेगा यहाँ पे. तो इसका मतलब हमने 2x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है. दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x. अगेन साइन चेंज, तो यहां पे मिल गया हमें x और ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पे x मिला प्लस 1. अब x प्लस 1 यहां है, x प्लस 1 यहां है. तो x इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म x, दैट इज 1. तो 1 से हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर यहां पे क्या मिलेगा, जीरो. रिमाइंडर जीरो यहाँ पे मिल रहा है. तो मैंने फर्स्ट इसका क्वेश्चन कर दिया है बाय डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको कहते हैं. देखते हैं इसका मेथड नंबर टू. मेथड टू इज फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम देखिए क्या कहती है, अगर डिवाइजर का हम जीरो फाइंड आउट कर ले, डिवाइजर का जीरो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 को आप इक्वेट करोगे 0 के, देन x इक्वल टू माइनस 1. सो माइनस 1 इज अ 0 ऑफ x प्लस 1. ठीक है, माइनस 1 x प्लस 1 का क्या हो गया, 0 हो गया. तो अब आप क्या करोगे, फिर से p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. पुट दिस वैल्यू माइनस 1 इन प्लेस ऑफ x. ओके, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, तो 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज 1. नेगेटिव नंबर की पावर अगर क्या होती है, ऑड. ठीक है, ये ऑड पावर है, 3 इज ऑड नंबर, तो ये हमेशा आंसर नेगेटिव आता है. ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3 प्लस 1. माइनस 1 प्लस 1 0, 3 माइनस 3 0. देन पी ऑफ माइनस 1 इज 0. और यही क्या है स्टूडेंट्स हमारा, यही इस क्वेश्चन के लिए, डिवीजन के लिए रिमाइंडर है. तो यही हमारा रिमाइंडर. जिन्होंने लास्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से नहीं देखी है या आपने वो लेक्चर मिस कर दिया, पहले आप रिमाइंडर थ्योरम चेक कीजिएगा, देन इस क्वेश्चन को कीजिए. तो यहां से भी रिमाइंडर यही पी ऑफ माइनस 1, माइनस 1 वैल्यू रख के 0 मिल रहा है, तो ये भी हमारा रिमाइंडर, मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करके आएगी ये रिमाइंडर है. और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया दिया है, लॉन्ग डिविजन मेथड. लॉन्ग डिविजन मेथड के लिए ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट मिल गया आपको, और यहां से भी आपको सेम आंसर मिल रहा है. तो ठीक है, तो दो तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. मोस्टली स्टूडेंट्स को दूसरा तरीका रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी लगता है ना. और इसके
बाद के जितने भी क्वेश्चंस है आपकी चॉइस है, आप चाहे जिससे करें, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा लिखा है कि फाइंड द रिमाइंडर फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, तब तो आप मेथड नंबर 2 से करोगी, ठीक है। और अगर स्पेशली वहां पे मेंशन है कि फाइंड द रिमाइंडर फ्रॉम लॉन्ग डिविजन मेथड, तो आप मेथड नंबर 1 को फॉलो करोगे। लेकिन जनरल वे में यहाँ पे लिखा है फाइंड रिमाइंडर, इसके आगे कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि मेथड कौन सा है, तो आप किसी भी तरीके से कीजिए, आंसर सेम आएगा। थैंक यू।